इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाए। आज के समय में लगभग पूरी दुनिया पानी के लिए संघर्ष कर रही है। आने वाले वक्त में दुनिया में कई ऐसे देशों में पानी की कमी होने वाली है, तो आज हम आप लोगों को दुनिया के 5 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले समय में बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। मैक्सिको सिटी। मैक्सिको दुनिया का 5वां ऐसा शहर है जो आने वाले समय में पानी के लिए तरस सकता है। आने वाले समय में मैक्सिको में पानी की भारी कमी होने वाली है। हर 5 में से एक व्यक्ति को बच कुछ घंटों के लिए ही पानी की सप्लाई मिलती है। शहर की मात्र 20% जनता को दिन में कुछ वक्त पानी मिलता है। लंदन। लंदन दुनिया का 4था ऐसा शहर है जो आने वाले समय में भारी पानी की समस्या का सामना करेगा। लंदन में सालाना 600 मिलीमीटर तक की बारिश होती है, जो कि पेरिस और न्यूयॉर्क से कम है। शहर की जरूरत का 80% पानी नदियों से आता है। ग्रेटर लंदन के अधिकारियों का कहना है शहर की क्षमता लगभग पूरी हो गई है और साल 2025 तक यह पानी की गंभीर समस्या देखने को मिलेगी। टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है, जो जापान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आने वाले समय में टोक्यो में भारी पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। बारिश के पानी अगर जमा करके नहीं रखा गया तो कम बारिश होने वाले सालों में बड़ी मुश्किल हो सकती है। समस्या के हल के रूप में अधिकारियों ने शहर के 750 सार्वजनिक और निजी इमारतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश का पानी जमा करने की व्यवस्था करवाई है। बीजिंग। यह दुनिया का 2रा ऐसा शहर है जो आने वाले समय में पानी की समस्या को सामना करेगा। बीजिंग चीन की राजधानी है और बीजिंग चीन का एक बड़ा प्रमुख शहर भी माना जाता है। 2015 में जारी किए गए अधिकारियों के आंकड़े के अनुसार बीजिंग में पानी इतना प्रदूषित है यह खेती में इस्तेमाल करने के लायक भी नहीं है। दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा चीन में है, लेकिन दुनिया के मीठे पानी का मात्र 7% हिस्सा ही यहाँ पर है। बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का एक बड़ा शहर है जो कर्नाटक की राजधानी है। यह दुनिया का पहला ऐसा शहर है जो आने वाले समय में पानी की बड़ी समस्या का सामना करेगा। एक जांच के अनुसार शहर की झीलों का 85% पानी केवल सिंचाई के लिए या फैक्ट्री के इस्तेमाल करने के लायक है, लेकिन पीने के लायक नहीं है।